जय हिंद। इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। याद रखिएगा, डीपीएसपी भी इसको बोला जाता है शॉर्ट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले याद कीजिए मौलिक अधिकार के बारे में। उसमें आपको हम बताए थे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो ना ही सरकार छीन सकती है आपसे और ना ही कोई पब्लिक छीन सकती है आपसे। याद कीजिए, हम आपको ये भी बताए थे कि अगर मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ करता है या आपसे छीनने की या उसको कम करने की कोशिश करती है तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट पावर देती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस परमादेश लागू करेगी और आपके जो आपका जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करेगी। और मौलिक अधिकार की रक्षा तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, साथ में साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है कि आप अगर आपके यहां से सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, आप वहां जाने में सक्षम नहीं है, तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप अपने हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार की रक्षा हाई कोर्ट भी करेगी। लेकिन यहां पर समझने वाली ये बात है, ये है जब संविधान बन के तैयार हो रहा था उस टाइम में हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी एन राव साहब, उन्होंने कहा कि इसको भी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही मौलिक अधिकार में जोड़ा जाएगा तो फिर जनता जो है प्रेशर देगी, दबाव देगी और सुप्रीम कोर्ट भी इन्फोर्स करेगी, सरकार पे प्रेशर बनाएगी कि आपको ये सारा अधिकार देना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत बातें सोची गई, सब में विचार किया गया, गांधी जी, अम्बेडकर साहब और ये बी एन राव साहब में, और तब जाकर के बोला गया कि नहीं, जो चीजें बहुत इसेंशियल है, जिसके बिना जनता नहीं रह सकती है, जिसके बिना हमारे देश में लोकतंत्र का परिभाषा संपूर्ण नहीं होगा, उसको मौलिक अधिकार में रख दीजिए। और जो कुछ चीजें ऐसी भी है जिसके बिना हम लोग फिलहाल रह सकते हैं, क्योंकि देश का कंडीशन उस समय बहुत खराब था, हम लोग उसी टाइम आजादी लिए थे, आजाद हुए थे, हमारे पास उतना संसाधन नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे उतना, तो जिसके कारण से बताया गया कि इसको न एक अलग ही भाग में रख दिया जाए, जिसका नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उस टाइम पे बताया गया कि कल होकर के अगर हमारे पास पैसा होती है, हमारे पास संसाधन होती है, तो सरकार अगर चाहे तो ये सारी सुविधाएं जो है, सारी फैसिलिटीज, सारा अधिकार जनता को दे सकती है। ये राज्य के अंदर में होगा, राज्य के अधीन में होगा, राज्य जब चाहे दे सकती है। तो यहाँ पे समझ गए आप मौलिक अधिकार में और इसमें क्या डिफरेंस है। सो ये जो लिया गया था सोर्स, इसका क्या है, स्रोत क्या है, मतलब आयरलैंड का जो संविधान था उससे लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक बार तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया कि आयरलैंड का जो संविधान है उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहां से लिया गया है, वो स्पेन से लिया गया है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि स्पेन का कहां से लिया गया है, तो खोजते रहिए इन्होंने, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड में स्पेन से लिया गया है। ठीक, किसकी सिफारिश पे लागू किया गया, लाया गया संविधान में, बी एन राव साहब जो भारतीय संविधान के सलाहकार थे। ठीक, अब क्या है इसमें शर्त रखा गया कि आप जो है कोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाकर के ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें जो जो अधिकार दिया गया है 36 से लेकर 51 तक वो हमें चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि राज्य के पास संसाधन है कि नहीं, उसके पास पैसा है कि नहीं और उसकी चाहत है कि नहीं है, वो चाहेगा तो आपको देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। राज्य क्या होता है, इस बात को हम लोग आगे समझेंगे डेफिनेशन में, 36 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है उसका डेफिनेशन परिभाषा। अब क्या है कि केटी साहब ने बोला कि ये चेक, इसको चेक बोल दिया, जो संविधान का भाग 4 है उसको बोला कि चेक की तरह काम करता है, जैसे नहीं कि चेक काट दिए और कल होकर के परसों होकर देगा ये बैंक में, बैंक वाला आपको पैसा वापस कर देगा। तो चूंकि बोला कि ये नियम तो बन रहा है लेकिन ये नियम जो है चेक की तरह है, अभी तुरंत नहीं भंज सकता है, कल होकर के अगर राज्य चाहेगा तो भंजेगा, राज्य अगर नहीं चाहेगा तो नहीं भंजेगा। नहीं होता है कि अगर चेक में कोई त्रुटि है, बैंक को अगर कुछ लगता है चेक आपका सही नहीं है तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा चेक के बदले में। तो इसीलिए इसको केटी साह ने चेक के बराबर इसको मान्यता दिया कि चेक है ये,
भाग चार, संविधान का भाग चार, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि संविधान के किस भाग को पीटी साहू ने चेक कहा था, भाग चार को कहा था, ठीक। किस लिए? क्योंकि ये सारी सुविधाएं, ये सारी जो अधिकार है उस टाइम पे जनता को नहीं दिया गया था और ये छोड़ दिया गया था स्टेट पे कि स्टेट जब चाहे वो दे सकता है। अब क्या है आगे, इसको बोला था अम्बेडकर साहब ने कि लोक कल्याण के लिए ये जो सारी कानून है वो लोक कल्याण के लिए हित में होगा, मतलब पब्लिक वेलफेयर, ये लोगों के लिए होगा। कैसे होगा आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, चाहे सामाजिक रूप से नीचे दबे हुए लोग हो, दबा हुआ कुचला हुआ लोग हो, उनको सबको समाज की मुख्य धारा में एक साथ लेकर के चल सके, इसीलिए इसको लाया गया। इसीलिए इसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इस भाग चार का लक्ष्य है। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 36 जो है आर्टिकल 36, उसमें कहा गया राज्य की परिभाषा बताया गया है, मतलब राज्य की परिभाषा क्या राज्य होता है। राज्य का मतलब ये नहीं कि स्टेट होता है, जैसे मान लीजिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो नहीं राज्य है। हमारे भारतीय संविधान की परिभाषा के अनुसार राज्य वो होता है जिसका अपना सीमा क्षेत्र हो, जिसका अपना कर्मचारी हो, जिसको सैलरी देता हो, जिसका अपना नियम हो, सब कुछ हो। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्रीय सरकार जो हो गया, उसके पास क्या है, एक सीमा है कि पूरा भारत पर वो कंट्रोल करती है, उसके पास अपना कर्मचारी है, उसको अपना वो सैलरी देती है, केंद्र सरकार खुद कमाती है पैसा, तो एक राज्य हो गया। ऐसा नहीं कि वो राज्य नहीं हुआ। फिर स्टेट, जैसे मान लीजिए बिहारी हो गया, तो बिहार के पास भी अपना कर्मचारी है, बिहार का भी अपना एक सीमा क्षेत्र है, बॉर्डर है, जहां तक उसका कंट्रोल रहता है, बिहार भी अपने कर्मचारी को खुद देता है पैसा, अपने लोगों पर नियम खुद लगाता है, तो बिहार भी एक राज्य हो गया। जैसे मान लीजिए बिजली विभाग हो गया, तो बिजली विभाग में जो भी स्टाफ रहते हैं उस डिपार्टमेंट में, तो बिजली विभाग जो है खुद पैसे कमाती है और उस जो उनका जो स्टाफ है उसको सैलरी देती है, तो वो भी एक तरह का एक राज्य हो गया, स्टेट हो गया। जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट का अपना एक अथॉरिटी होता है, अपना वो नियम बनाता है। जैसे सुनते होंगे ना कि एयरपोर्ट के चारों तरफ जो घर होते हैं वो बहुत ऊंचा तक नहीं बना सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन होता है, क्योंकि बहुत ऊंचा अगर बनाएगा तो फिर जहाज जब लैंड करेगी वहां पे लगा रहता है ना ALS एडवांस लैंडिंग सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, तो लैंड करने में बहुत परेशानी होगी, जिसके कारण से एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है वो खुद नियम बनाती है, तो वो भी हो गया स्टेट, मतलब बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट, केंद्र सरकार, कोई भी जिसका अपना एक क्षेत्र है, अपने लोगों पर वो कंट्रोल करती है, वो नियम बनाती है, अपना कर्मचारी रखती है, अपने कर्मचारी को पैसा देती है, तो हो जाएगा स्टेट संविधान के अनुच्छेद 36 के परिभाषा के अनुसार। अब क्या है कि आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय और वाद योग्य नहीं है। ये जो हमारा जो भी बात करेंगे हम अधिकार की, जिसका उल्लेख 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, उसका आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सारे सुविधा हमको सरकार नहीं दे रही है। याद कीजिए, जबकि मौलिक अधिकार में यह कहा गया है, मौलिक अधिकार में संविधान का अनुच्छेद 32 आपको, सुप्रीम कोर्ट आपको देती है अधिकार कि अगर आपको वो सारा अधिकार नहीं मिलता है तो आप मेरे पास डायरेक्ट रूप से आइए और आप सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, जो आपसे मौलिक अधिकार छीनना चाहता है उसके खिलाफ। लेकिन 36 से लेकर 51 तक जो भी आपको सुविधा, जो भी फैसिलिटीज, जो भी आपको अधिकार दिया गया है, ये डिपेंड करती है सरकार पर। सरकार के पास अगर संसाधन है, उसके पास अगर पैसा है, या सरकार की अगर चाहत है तो आपको दे सकती है, सरकार की चाहत नहीं है तो आपको नहीं देगी। जैसे याद कीजिए, शिक्षा का जो अधिकार है वो पहले इसी में था, किसमें था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन जैसे क्योंकि उस टाइम पे देश आजाद हुआ था, हमारे पास उतना स्कूल नहीं था, इतना कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं था, उतना हमारे पास टीचर प्रोफेसर नहीं थे, तो हम सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसको मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के पास, राज्य के पास पैसा हुआ, स्कूल कॉलेज खुला, तो उसको कर दिया गया परमानेंट, कर दिया गया मतलब मैंडेटरी कर दिया गया, तो उसको ला करके कहाँ रखा गया, मौलिक अधिकार में रखा गया। तब जाकर के कहा गया कि नहीं, शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है और वह सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 37 में कहता है कि जो भी आपको फैसिलिटीज, जो भी अधिकार आपको 36 से लेकर 51 तक दिया गया है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप न्यायालय में जाकर के इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं,
सरकार के खिलाफ या किसी राज्य के खिलाफ, वो न्यायालय भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा वो किसी गवर्नमेंट पर या किसी राज्य पर दबाव नहीं बना सकती है कि नहीं ये जो अधिकार दिया गया है उसको आपको पब्लिक को देना ही है, नहीं और क्या है वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाकर के कि ये अधिकार मुझे क्यों नहीं मिला है। हम ले दिए हम ब्रैकेट में यहाँ पर राज्य की इच्छा पर, यानी कि राज्य चाहेगा तो आपको देगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, ये उसकी संसाधन उसकी इच्छा और उसके पास पैसा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अनुच्छेद 38 की बात करते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृत्ति। लोक कल्याण मतलब क्या होता है, जो पब्लिक वेलफेयर है उसका ध्यान रखा गया है हमेशा। ये जो नियम है इस ये जो अधिकार दिया गया है इससे लोगों का कल्याण होगा, मतलब पब्लिक का जो वेलफेयर है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा एक, है ना। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 38 में कितने तरह की न्याय की बात किया गया है, यानी कि भाग 4 में, तो 3 तरह की न्याय की बात किया गया है, याद रखिएगा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार की है, अनुच्छेद 4 के अनुसार कितने तरह की लोकतंत्र की बात किया गया है, तो 2 तरह की, सिर्फ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की बात किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। लेकिन जैसे ही पूछा गया कितने तरह की न्याय की बात किया गया है भाग 4 में, तो 3 तरह की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक क्या है कि जो समाज में दबे हुए कुचले लोग हैं उनको थोड़ा बढ़ावा दे ताकि वो भी समाज के समानांतर लाइन में चल सके। आर्थिक क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कमजोर वर्ग है, पैसे से कमजोर वर्ग है, गरीब है, तो उनको मिलता है ना बीपीएल राशन कार्ड वगैरह मिलता है ताकि उनको 2 रुपए केजी या उससे भी कम में राशन पानी जो है वो मिल सके, तो उसी को ना बोलते हैं आरक्षण, मतलब आरक्षण भी उसी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक न्याय, इसका मतलब होता है कि समाज में कोई भी वर्ग के आप व्यक्ति हैं, चाहे आप पैसे वाले हैं चाहे पैसे वाले नहीं हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय कम्युनिटी के लोग हैं, आपको राजनीतिक में भी आप मतलब कि उम्मीदवार बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, यह आपको अधिकार दिया गया है। तो इसीलिए इसमें 3 तरह की न्याय की बात किया गया है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कहा गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी डिपार्टमेंट में स्त्री या पुरुष अगर समान कार्य कर रही है तो उसको समान वेतन मिलेगा, यानी कि वहां पर स्त्री और पुरुष में कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कोई टीचर पढ़ाता है स्कूल में, तो लेडीज है जेंट्स है, अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है ड्रॉइंग सब्जेक्ट पढ़ाता है तो सिखाता है कि गोल बैगन कैसे बनता है, भंटा बैगन कैसे बनता है, ये बैगन वो बैगन, और कोई फिजिक्स पढ़ाता है उतना मेहनत से, तो दोनों का सैलरी समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज पे कि कौन सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके हिसाब से उसका सैलरी फिक्स किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्त्री है कोई पुरुष है, अगर दोनों सेम सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा है तो दोनों में सैलरी का जो अंतर होगा डिफरेंस का वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होता है। अब क्या है अनुच्छेद 39 का कौ मतलब क्या है कि इसको बाद में जोड़ा गया है, जब संविधान बना था उस टाइम 39 ही था, जहां पर आप देखेंगे ना क ख ग घ अंग्री कुछ रहेगा वहां पर समझ आइए कि आप उसको बाद में जोड़ा गया है, बाद में उसको ऐड किया गया है। यहाँ पर बात किया गया 39 के क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि समाज में कोई भी वर्ग के लोग है वो सबको समान न्याय मिलेगा। अगर कोई क्राइम किया है मान लीजिए कोई अगर जा रहा है, दो व्यक्ति जो अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग धर्म का है, तो उन दोनों पर समान नियम लागू होगा, दोनों को समान रूप से न्याय मिलेगा न्यायालय में जाकर के। अब क्या कि निःशुल्क विधि सहायता, जैसे मान लीजिए आप पे कुछ FIR हो गया, जो काम आप नहीं किए हैं जो कांड नहीं किए हैं, तो पुलिस के पास जाएंगे ना तो आपको तो पता नहीं है कि हम क्या करें, तो पुलिस आपको निःशुल्क में बताएगी कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप वहाँ जाइए, आप यहाँ आइए, या मान लीजिए आपका जमीने है कोई कब्जा कर लिया है, तो अगर आप जाएंगे ना ब्लॉक में जहाँ पर तहसील होता है तहसीलदार बैठता है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मुफ्त में ही वो पूरी सहायता मतलब की करेगा, आपको बताएगा विधि उसका कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लोग पैसा तो ले ही लेता है, आप देखते ही होंगे थाना में चाहे कहीं भी जाइए तहसील में जाइए तो वहाँ पर लोग पैसे ले लेते हैं, वो तो चलता ही है, जानते ही आप चलता ही रहेगा। अब याद कीजिए भाग 3 जो आपको पढ़ाए थे मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, वो सिर्फ व्यक्ति पर लागू होता है, वो किसी व्यक्ति पर लागू होता है, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार की बात किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और भाग 4 में जो भी अधिकार दिया गया है वो किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, ये लागू होता है राज्य पर,
एग्जाम में बार बार प्रश्न ये मतलब रिपीट करता है कि भाग तीन जो है संविधान का वो किस पे लागू होता है, व्यक्ति पे, और भाग चार राज्य पे, और राज्य कौन होता है, इसका डेफिनेशन आपको हम 36 में बता दिए हैं। इसके अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे 40 से लेकर के 51 तक। तब तक के लिए जय हिंद।